स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ एनसीईआरटी का प्रॉब्लम 1.1 देखते हैं। ये कहता है फोर्स बताना है अपन को बिटवीन टू स्मॉल, वेरी स्मॉल चार्ज स्फीयर्स, और उनके पास चार्ज दिया हुआ है 2 × 10⁻⁷ और 3 × 10⁻⁷ कूलम्स में, एंड दे आर सेपरेटेड बाय 30 सेंटीमीटर। तो कोशिश करते हैं कि डायग्राम बना लें अपन, ताकि प्रॉब्लम थोड़ी विजुअलाइज हो जाए अपन को। लेट अस अज्यूम दीज आर द टू चार्ज स्फीयर्स। ये दो यहाँ पे चार्ज स्फीयर दे रखे हैं, इनका सेपरेशन बच्चों दिया हुआ है अपन को 30 सेंटीमीटर। इसके पास चार्ज Q1 अज्यूम कर लो, यहाँ पे चार्ज Q2 अज्यूम कर लो, दोनों का पोलारिटी पॉजिटिव है, तो अपन कह सकते हैं कि म्यूचुअली फोर्स लगेंगे। एक्शन रिएक्शन पैर होते हैं, थ्योरी से अपन समझ के रखते हैं हमेशा। दोनों प्लस के होंगे तो यहाँ पर भी फोर्स मिल रहा है और यहाँ पर भी फोर्स मिल रहा है। अगर इसको न्यूमेरिकली लिखना चाहें हम, तो फ्रॉम कूलम्स लॉ से अपन लिख सकते हैं, ठीक है। कूलम्स लॉ से ऐसा एक्सप्रेशन बनता है, फोर्स लिखा अपन ने, एक छोटा वाला के आता है, और यहाँ लिखते हैं पहला चार्ज, फिर दूसरा चार्ज, डिवाइड बाय जितना भी उनका सेपरेशन है उसका स्क्वायर। ध्यान रखना, ये जो के का मतलब होता है, ये होता है 1/4π एप्सिलॉन नॉट, और आगे जाके लगता है एप्सिलॉन आर भी। और ध्यान से देखो आप लोग, तो एयर लिखा हुआ है अपन को, तो जो एप्सिलॉन आर होता है उसी को अपन कैपिटल्स में के कहते हैं, और वो वन हो जाता है किसके लिए, एयर के लिए। अब इस पेज पर आपको यहाँ कन्फ्यूजन हुआ कि ये भी के लिखा है सर ने और ये भी के लिखा है। बच्चे लोग, ये डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के लिए होता है, आगे कैपेसिटर चैप्टर आएगा तो पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, अभी समझ लीजिए कि ये कोई और चीज़ है, ठीक है। और वही अपने पास रिलेटिव परमिटिविटी का भी नाम होता है, रिलेटिव और ये लिखा हुआ है परमिटिविटी, दोनों एक ही बातें हैं, बस टॉपिक बदलते हैं तो इनके सिंबल्स बदल जाते हैं। अगर इस फॉर्मूले को यहाँ रखता हूँ तो सीधा सीधा आंसर है एयर के लिए। अपन डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि एयर के लिए हो जाएगा 1/4π ε₀, पहला चार्ज दूसरा चार्ज डिवाइड बाय आर का स्क्वायर। आर की जगह पे अपन ने 1 अज्यूम कर दिया है, बस न्यूमेरिकली वैल्यूज को रखना है। 1/4π ε₀ है ना स्मॉल के, इसका एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन होता है जो कि 9 × 10⁹ बनाता है। Q1 का मतलब दे रखा है 2 × 10⁻⁷, और यहाँ लिखा है 3 × 10⁻⁷। और जरा आप डिनोमिनेटर में ऑब्जर्व करेंगे तो क्या लिखा है बच्चों, 30 सेंटीमीटर लिखा। तो अगर हम यहाँ से बात करें कि स्मॉल r दिया है अपन को 30 सेंटीमीटर, उसको लिख सकते हैं 0.3 SI में, तो ये हो जाएगा 0.3 और एक और बार आएगा 0.3। इन दोनों को यहाँ से हटा देता हूँ मैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 10⁻² और ये दोनों मिल करके इसको अलग कर देंगे। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल रहा है बच्चों, ये हो जाएगा 6 × 10⁻⁰ दिस विल बी 3 न्यूटन, 10⁻³ में आ रहा है, और ये हो जाएगा बच्चों फोर्स। और ये फोर्स होना चाहिए अपने पास रिपल्सिव नेचर का, दोनों की एक्सिस से अवे लगेगा, राइट। तो ये हमारे पास फोर्स का टर्म आ रहा है। बहुत बेसिक सा एक प्रॉब्लम दिया गया है जिसमें कूलम्स लॉ लगाना है, ये बेसिक से गलती करने वाले टर्म्स हैं। एप्सिलॉन आर है, इसको के कहते हैं, इसको वन कहते हैं। जब बात होगी मीडियम की क्या इफेक्ट डालता है, तब इसको अपन स्टडी कर लेंगे, अभी यहीं से आंसर देखते हैं। एफ का टर्म लिखा है, न्यूमेरिकल सॉल्वड है, और ये आप लोगों का आंसर है 6 × 10⁻³ न्यूटन, ठीक है। स्टूडेंट्स, काइंडली लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।